मम्मीज हेलो, माय बेस्ट फ्रेंड्स हेलो, माय लवली सिस्टर्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेस्ट फेस वॉश जो कि मैं यूज करती हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए क्योंकि मुझे ये बेसिकली बहुत पसंद है। मेरी ये कॉम्बिनेशन इसके ना ही ऑयली ना ही ड्राई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है मेरे साथ कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ड्राई, मतलब इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक बेस्ट आपको बताया जाए एक सीरम। चाहे कितनी भी गर्मी हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यूज़ करना ही करना है सीरम, क्योंकि सीरम हमारी स्किन को बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करूँ, आपकी स्किन को स्मूथ रखता है। ये बोल सकते हैं कि आपकी स्किन को जो है, जो बहुत लोगों की रफ लगा करती है, कहीं कहीं से कुछ जा रहा है, कहीं स्क्रैचेस क्रैक आ जाते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये यूज़ किया है पर्सनल। सॉरी फॉर दैट, मैंने ये यूज़ किया है पर्सनल। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जो है यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं पूरा बताऊँगी अभी, इसको भी यूज़ करके। एंड फॉर वॉश ये है, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ, ये है डॉट एंड की का स्किन केयर विटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट जेल फेस वॉश। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जेल फेस वॉश है। जितनी भी जेल फेस वॉश होते हैं ना, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बहुत जल्दी वॉशेबल होते हैं, और जितना भी हार्ड होता है उसको ऐसे ऐसे रफ करते रहो, रफ करते रहो, रफ करते रहो, उसके बाद जब इसको धुलो तो बहुत अंदर से बहुत क्रकी एक स्किन निकल के आती है। तो ये मोस्टली ड्राई वालों को बहुत इशू होता है, इसलिए हमेशा यूज़ करना चाहिए जेल फेस वॉश। मैं इसको यूज़ करके भी बताऊँगी और फिर वॉश करके आपको स्किन दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। इस टाइम मेरे चेहरे पर जीरो मेकअप है, जीरो, आप लोग पास से भी देख सकते हो, नो मेकअप, कोई भी मेकअप नहीं है, ये ओरिजिनल है, जो कुछ है सब ओरिजिनल है, कोई भी मेकअप नहीं है, जीरो मेकअप है। क्योंकि ये तो देख के पता चल जाता है, ना ही मैंने आज लिपस्टिक लगाई है, ना ही मैंने आज कोई मेकअप किया है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल रिव्यू देना था, इसका ओरिजिनल रिव्यू देना था, ना कि मुझे फेक तरीके से नहीं अच्छा लग रहा है ये है वो सब नहीं, मुझे इसका ओरिजिनल रिव्यू देना था, क्योंकि मुझे ये पर्सनल बहुत पसंद है। इतना कोई खास प्राइस भी नहीं है, 249 का है, तो इतना कोई इशू भी नहीं होता है। सो आप मंगा सकते हो। मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ भी किए हैं, सेटाफिल का भी यूज़ किया, वो भी बेस्ट है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बेसिकली अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए जेल फेस वॉश ही पसंद है। और आपको भी जेल फेस वॉश ही यूज़ करना चाहिए। और फेस वॉश यूज़ करने आफ्टर फेस वॉश क्या करना है मुझे वो मैं आपको, आफ्टर फेस वॉश मुझे क्या करना है, हमेशा यूज़ करने के लिए बेस्ट है। लगता है हम लोगों को गर्मी है तो सीरम नहीं यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गर्मी है फिर भी हमारी स्किन तो उतनी ही रफ हो रही है ना, स्वेटिंग हो रही है, तो बार बार से ऐसे ऐसे पूछो तो हमारी स्किन बहुत हार्म हो जाती है। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये प्रोडक्ट सीरम, मुझे जो कि बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। और भी बहुत सारे सीरम है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। डर्मा का मेरे पास सीरम रखा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिव्यू दूंगी, क्योंकि वो भी मुझे बहुत पसंद, यूज़ के लिए पसंद है। मैं यूज़ कर चुकी हूँ डर्मा के, डर्मा के प्रोडक्ट तो सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि वो डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड है। ये भी डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मुझे पर्सनली बहुत यूज़ है, क्योंकि इसका ना मैं आपको फॉर्म दिखाती हूँ, इतना ग्रीसी फॉर्म है ना, इतना ग्रीसी फॉर्म है, इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है, इसका बहुत ग्रीसी फॉर्म है। ओके जस्ट वेट, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना ग्रीसी है। देखिए ड्रॉप ड्रॉप में भी आ रहा है ना, तो कितना ग्रीसी है, निकल नहीं पा रहा है, तो सोचो आपकी स्किन को कितना स्मूथ कर देगा। सो प्लीज़ जो मैं ये यूज़ करके दिखाती हूँ, पहले फिर आफ्टर वॉश ये लगाऊंगी, वो आपको बताऊंगी कैसे लगाना है इसको। क्रीम की तरह नहीं लगाया जाता है, डैप डैप करके लगाया जाता है। सो वेट, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे यूज़ करना है फेस वॉश। लोग यूज़ करते हैं, रब करते रहते हैं, रब करते रहते हैं, ये आपको बहुत हार्मफुल करता है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि सबसे सेंसिटिव स्किन हमारी यहाँ की होती है, फेस की होती है, आइज़ की होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखना है अपनी स्किन का, यही एक रीज़न होता है जो हमारे चेहरे का नेचुरल ग्लो ले जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग से जो हमारा, ये जो हमारी सबसे पीक एज होती है ना, 20 से लेके 25 तक, उसमें हम बहुत भागा दौड़ी में होते हैं, उसी में अपना ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए हम अपनी नेचुरल ग्लो को खो देते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। सो मैं इसको अभी ओपन भी नहीं किया, मैंने नया है बिल्कुल, मैं एक बार यूज़ कर चुकी, मैंने दूसरा मंगाया है, इसको ओपन कर लेती हूँ। जस्ट वेट यार, ये ओपन ही नहीं हो रहा है, बेइज्जती कराएगा क्या, ओपन हो जाए यार, कैसे होगा भाई ये यार। एक्चुअली मेरे ना नेल्स चले गए हैं, पहले थे नेल्स, अभी काम वाम करो तो नेल्स चले जाते हैं यार मुझे। जस्ट इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं आपको, ये है हमारा बेस्ट डॉट एंड की का फेस वॉश। ये है इसका टेक्सचर, कितना ग्रीसी है, कितना जेल है, और हमारे लिए ज़रूरी भी है जेल फेस वॉश। सो इसको यूज़ करते हैं फॉर बाल को करेंगे अपने पीछे, क्योंकि वो हो जाएंगे भीग जाएंगे, फिर मुझे ड्राई करना पड़ेगा। सो
मुझे तो उसको लगा कि गोपी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो मैं हवा मार रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे अपने चेहरे पे लगाना है, देन हल्के हाथों से मसाज करना है, क्योंकि मसाज भी बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल हो बाहर आ जाए। देन कैसा लग रहा है आप लोगों को? आई होप आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसको वॉश के बाद में देती हूँ। आफ्टर एवरीवन, मैं वॉश करके आ गई हूँ, सो देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हो। यार मैं क्या ही बोलूँ अब, वैसे तो वॉश करके ना बहुत अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी आफ्टर वॉश कैसा लगता है? मैं इसके बाद जो यूज़ करूँगी ना, वो सबसे ज़्यादा आपको फील कराएगा कुछ तो अच्छा है यार, फिर आप कहोगे कुछ तो अच्छा है। वेट, फिर आप वो हमारा बेस्ट सीरम आप लोग देख सकते हो, मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही इफेक्टिव है यार, बहुत इफेक्टिव। सो वेट, मैं इसको यूज़ करके बताती हूँ आपको। सिर्फ सिर्फ 3 डॉट्स में आपको यूज़ करना है इसको, 3 डॉट्स में यूज़ करना है। वेट, 1, 2 एंड 3, यही हमारे पूरे फेस पर, क्योंकि बहुत कास्ट है यार, ज़्यादा ज़्यादा लगाऊंगा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर मंगाना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत की बात है। नहीं, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ले जाना है, और हमारे हेड पे सबसे ज़्यादा डस्ट और वो होता है, हल्का सा आइस भी बहुत हल्का सा, डैप डैप करके पूरे फेस पे अच्छे से उसको कर देना है। बहुत अच्छा सा, ये हमारी बहुत अच्छी थेरेपी होती है हमारे फेस के लिए, हमारे फेस फेशियल नर्व्स के लिए बहुत अच्छी थेरेपी होती है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। प्लीज़ उसको सीरम लगाने के बाद हल्का सा डैप डैप जरूर करना चाहिए अपने फेस पे, जिससे फेशियल नर्व बहुत अच्छी हो जाए, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाए। फेशियल नर्व नहीं अच्छी होगी फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ओके गाइस, तो आपको अगर अच्छी लगी, आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद मैं मेकअप करूँगी, उसके बाद मैं आऊँगी, वरना फिर बहुत बेकार लगेगा। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाना है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। अपनी स्किन केयर रूटीन में चूज़ करना कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन है स्किन है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, और आपके ऑयली और ड्राई भी है तो मुझे कॉमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो जरूर लाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।